यहाँ की धूल मिट्टी से ना यार काफी ज्यादा एलर्जी सी लग रही है मुझे, क्योंकि चारों पूरी ट्रेन में धूल मिट्टी है, पूरी ट्रेन में ऐसा लगता है झूले में नहीं बैठा होता, झूले ऐसी फील आ रही है, ट्रेन तो लग नहीं रही है। हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इस टाइम पे मैं हूँ आरुषा के रेलवे स्टेशन पे, और आज मैं फर्स्ट टाइम में अपनी लाइफ में किसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ आउट ऑफ इंडिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो फर्स्ट ट्रेन है तंजानिया की, और मैं जा रहा हूँ आज आरुषा से दर ए सलाम। बहुत मज़ा आने वाला है यार इस ट्रेन में ना, कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं है, बिल्कुल ही लोकल सी ट्रेन है यार। ये सफ़र छोटा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से दर ए सलाम कम से कम 800 किलोमीटर दूर है आरुषा से, जो कि मुझे सुबह पहुँचाएगा, सुबह 8-9 बजे तक पहुँचाएगा। और इस टाइम पे 2:30 पे ट्रेन चलेगी, और अभी 2 बजे हैं, तो चलते हैं ट्रेन में, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो के साथ बने रहो। देखो इस टाइप की कुछ ट्रेन है, अलग अलग हरे पीले नीले कलर की ट्रेन है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा लास्ट डब्बा है, देखते हैं मज़ा आने वाला है यार, वेरी एक्साइटेड। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है चलना, तो भाई यार ये बहुत ज़्यादा हिल रही है, अरे इतनी हिल क्यों रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये देखो वो यार, ये ट्रेन हिल क्यों रही है इतनी, ऐसा लग रहा है किसी पता नहीं किसमें बैठा हूँ मैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा हिल रही है यार ये। वहाँ पे लोग देखना कैसे बैठे हुए हैं, वो भाई डॉज बॉल है कहीं। क्लास चलते हैं आप देख सकते हो, इसके अंदर एसी क्लास है।
इतनी ज्यादा धूल पड़ी है यार, सच में बहुत ज्यादा धूल है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनको शायद करना है, मे बी रेलवे स्टेशन आने वाला है। यहाँ का रेलवे स्टेशन में दिखाऊंगा, बहुत क्रेजी है यार सच में। रेलवे स्टेशन देखोगे ना आप खुद पागल हो जाओगे। अभी ट्रेन रुकेगी, आपको रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो सब ने मुँह वगैरह ढका हुआ है यार, किसी ने ऐसी चीज़। यहाँ में एसी फर्स्ट एसी वगैरह दिखा रहा था, फर्स्ट एसी इस टाइप का होता है, 1 AC। देखो सब ने मुँह ढका हुआ है। मुशी रेलवे स्टेशन आया है अभी पे, तो यही यहाँ का एक मेन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे एक घंटा मेरे हिसाब से ट्रेन रुकेगी, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। चलो आपको स्टेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल जाता तो खा पी लेते हैं। यार यहाँ की धूल मिट्टी से ना यार काफ़ी ज़्यादा एलर्जी सी लग रही है मुझे, क्योंकि चारों पूरी ट्रेन में धूल मिट्टी है यार, पूरी ट्रेन में। मुझे समझ नहीं आता यार इसमें लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा हिलती है, इवन गिरने के भी चांस हैं। सॉरी यार, मुझे लग रहा मुझे जुकाम हो जाएगा यार इस ट्रेन में, तो क्योंकि कल रात में पहुंचना है, अभी 5 ही बजे मेरे हिसाब से, तो अभी देखते हैं अभी कब पहुंचते हैं इसके बाद। तो गाइस अभी ट्रेन रुकी है यहाँ पे। यार सही में अंदर ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा धूल छींक आ रही यार, बार बार बुरी हालत हो रही है। क्या ही एक्सपीरियंस हो रहा है यार मेरे साथ, मुझे नहीं पता था ये इस लेवल की ट्रेन है। मतलब इतनी ज़्यादा धूल तो यार बसेस में भी नहीं होती जितनी इसमें ट्रेन में होगी। और यहाँ पे कुछ रेलवे स्टेशन पे उतर चुका हूँ मैं। इस रेलवे स्टेशन का नाम है मुंशी रेलवे स्टेशन है, और ये शायद यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देखा है मैंने अभी तक यहाँ पे। इससे बेकार तो अरुषा का रेलवे स्टेशन था। देखो ये यहाँ पे है ना, ऐसे तारे तूरे टाइप के लगा देते हैं यार ये। अभी ट्रेन चलने लग जाए यार, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी देर रुकेगी। 1 घंटा मैंने सुना था किसी बंदे से, बट मुझे नहीं पता कितनी देर रुकने वाली है। तो एक तो यार भूख लग रही है, और कुछ खाने पीने का मिल जाए तो कुछ खा लें। इसके अंदर ना कोई कुछ बेचने आता है, और आने से पहले भी यार सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, कुछ खाया भी नहीं था मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे पैसेंजर, लगभग पैसेंजर यहाँ पे उतर चुके हैं। मतलब कुछ खाने को मिल जाए तो बढ़िया यार। बाकी यार सफ़र तो अभी बहुत लंबा है, बुरी हालत हो जाएगी, पता नहीं यार सो भी पाऊँगा, अगर ही सो पाऊँगा मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊँगा यार इस हालत में, इतनी ज़्यादा धूल, इतनी ज़्यादा मिट्टी, भाई साहब नेक्स्ट लेवल मिट्टी है। और मेरा ना सबसे लास्ट डब्बा है लास्ट डब्बा और ज़्यादा टन 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 करके हिलता है एकदम ऐसे थल थल थल। लास्ट डब्बे में और ज़्यादा डर लगता है, बीच वाला रहता है ना तो वो ज़्यादा हिलता भी नहीं है। कुछ खाने के लिए मिल जाए तो वो बहुत है। ये वाला डब्बा है मेरे हिसाब से। 8:01 PM। तो भाई सोचा यार रात में एक बार देख लेते हैं क्या माहौल है रात में यहाँ पे चल के। भाई टिकट चेक करने लग जाते हैं यार ये, मतलब हर एक बॉक्स पे जाके टिकट चेक कर रहे हैं भाई टिकट है कि नहीं है। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ा घूम रहा हूँ देख रहा हूँ यार, चीज़ें भी एक्सप्लोर नहीं कर सकता मतलब यहाँ पे हैं, ये माहौल हो गया सारे के सारे बस टिकट ही चेक कर रहे हैं। कितनी बार तो टीटी आ चुका भाई, ऐसी ट्रेन है और टीटी इतनी बार आ गया जैसे पता नहीं क्या है। इतनी बार तो इंडिया में भी कोई नहीं आता, एक बार ही आते हैं, आते भी नहीं कभी कभी, बड़ा मुश्किल लगता है। देखा यार कितनी बार टिकट चेक कर लिया यार, मतलब हर एक डिब्बे में जाते ही टिकट चेक, पहले तो टिकट दिखाओ यार तुम्हारे पास टिकट है कि नहीं,
मैंने कहा भाई टिकट तो है, टिकट नहीं हो फिर आता ही क्यों मैं। ये देखो यार, ये देखो इतनी ज़्यादा हिल रही है यार, मतलब पूरी ऐसा लगता है झूले में नहीं बैठा होता, झूले ऐसी फील आ रही है। ये ट्रेन तो लग नहीं रही है, सही बताओ तो पूरी झूले ऐसी फील आ रही है भाई। और लोग सारे के सारे मेरे को देख रहे हैं कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। A few minutes later. The next day. So guys, good morning. आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह में, और मैं बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला हूं दर ए सलाम। फाइनली रात मेरी बड़ी ठीक ठाक नहीं गई यार, पूरे टाइम ट्रेन इधर उधर ही होता रहा। कुछ ऐसा व्यू है अभी सुबह का। तो गाइस फाइनली दर ए सलाम में पहुंच चुका हूं और पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, मैं लास्ट पैसेंजर हूं शायद ट्रेन में। चलते यार नीचे, और इन यहाँ का मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ यार, क्या ही रेलवे स्टेशन है मतलब, अलग ही भाई साहब। ये रेलवे स्टेशन है यार, ये रेलवे स्टेशन है यार, मतलब दिस इज तंजानिया भाई साहब। देखो यहाँ से आते हैं, ये दिस रेलवे स्टेशन कॉरपोरेशन, यही है रेलवे स्टेशन यार। इंडिया जैसा नहीं है कि यार तुम्हारे लिए बना होगा प्लेटफॉर्म जैसा पूरा, ना भाई साहब यहीं पे यही रेलवे स्टेशन है। ओ भाई, फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल ट्रेन में ट्रैवल किया और इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस हुआ। ये देख लो इतनी पतली पतली पटरियों का गैप है, बहुत कम है। तो अब मैं अपने होस्ट के घर पे जा रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तंजानिया की। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।